नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर में। आई जे छै से हमरा संगे एकटा विशिष्ट पाहुन छै, विशिष्ट एहि दुआरे जे नया जे सरकार बनलै है एहि मे मिथिला दिस से एकटा प्रखर मिथिलावादी चेहरा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय के मंत्री श्री विनोद नारायण झा जे छै से आइ हमरा सभक संग छथि। चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके मिथिला मिरर। धन्यवाद। एकटा लम्बा समय जे छै से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जे छै से अहाँके देखैत रहलहुँ हैं टेलीविजन पर। आब ओहिठामसँ जे छै से मंत्री के पद निश्चित रूपसँ मिथिला मैथिली के गौरव के विषय छै, मिथिला मैथिली के लेल जे अहाँ आसीन भेलहुँ हैं पद पर, की अंतर बुझा रहल है एकटा प्रवक्ता और एकटा मंत्री के रूप में? अंतर तऽ बहुत छै और ई एकदम डिफरेंट काज छै जे हम करै छलहुँ हैं सरकार में छै और ई चुनौतीपूर्ण काज छै। खास कर हमर विभाग जे PhD एकरा कहियो शॉर्ट में ई जे विभाग छै तऽ बहुत काज छै, लेकिन ई कागज ई काज एकरा जमीन पर नहि उतरलै। बिहार सन राज्य में बहुत जरूरी छै। सबसे पहिल आवश्यक छै जे मंत्री बनला के बाद एकर की रीत नीति छै, कोना मंत्रालय चलै छै, की सिस्टम छै, की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग छै, की बिजनेस एग्जीक्यूटिव बिजनेस छै, जाननाइ एकरा समझनाइ तऽ एहिमे लागल छी। लेकिन हमर जे काज अछि बहुत महत्वपूर्ण छै। बिहार के बहुत बड़ा भाग दूषित जल पीबै छै, खास कर गंगा के दुनू साइड में जे इलाका छै ओ आर्सेनिक प्रभावित छै, ओ बहुत भारी रोग के जन्म दै छै ओ जल। एहिना मिथिलांचल के ओ पार्ट जकरा हम पूर्णिया और सहरसा कहै छी, दुनू कमिश्नरी एक्सेस आयरन सँ पीड़ित छै, ओकरा पानिमे बहुत रास मात्रामे आयरन छै। तहिना दक्षिण बिहारके जे भाग छै, औरंगाबाद, नवादा, ई सब एहिमे फ्लोराइड छै। ई तीनू जे चीज छै से शरीरके लेल बहुत घातक छै। एकरा समाप्त कऽ कऽ शुद्ध जल लोक लग पहुँचेबाक लए ई विभाग छै मुख्य रूपसँ। मधुबनियो दरभंगामे एकर काज छै जतय शुद्ध जल भेटै छै, लेकिन ओतय शुद्ध ओकर जे जल भेटै छै से गाँव तक पहुँचै, घर तक पहुँचै, ई काज छै। लेकिन मूल काज अखन जे हमसब टेकअप केलहुँ हैं जतय ई दूषित जल छै जकरा कहै छै क्वालिटी एफेक्टेड वाटर छै, ओकरा लेलहुँ हैं, तकरा हमसब बढ़िआँसँ करब, तऽ ई नया काज छै, तऽ हमरा लेल चुनौतीपूर्ण काज अछि, एहिमे हम लागल छी। पहिने तऽ प्रवक्तावला काज छलै, तऽ करैत करैत ओहिमे एक तरहसँ हमसब अहाँ पारङ्गत तऽ नहि कहि सकै छी, लेकिन जानकार भऽ गेल छलहुँ हैं। लेकिन ई नया छै, एहिमे सीखियो रहल छी, कहियो रहल छी। ई पहिल बेर जे छै से ई दायित्व अहाँके देल गेलै आ अहाँके जे मंत्रालय छै ओकरेसँ मिलैत जुलैत जे चीज छै ताहिपर हमरासभ कनि बातचीत करै छी कि बाढ़िक समय छै, त्राहिमाम जे छै से खास कऽ मिथिला कऽ रहल छै और नदीके उराही नहि होइ छै और बाढ़ि अयबाक या ओ पानि ओवरफ्लो भऽ कऽ घर आँगनमे जयबाक जे छै से ई एकटा बहुत पैघ जे छै से कारण छै। तऽ एहिके विषयपर की अहाँ एकटा एज ए मिनिस्टर या फेर एकटा मिथिलावादी या एकटा मैथिल एहि चीजके की सोचि रहल छी एहि विषयपर अहाँ? हमरा ओहिठाम जे समस्या छै ओ समस्याके निदान हमरा विभागक काज नहि अछि, लेकिन पहिल बेर PhD डिपार्टमेंट पूरा बिहारके बाढ़िमे देखेलै। एकटा काज तऽ अछि जे हम शुद्ध जल लोकके पहुँचबियै आ बाढ़िमे आओर जल अशुद्ध भऽ जाइ छै। जे जल शुद्धो छै ओतो जे चापाकल छै ओ डूबि गेल, पोखरि सभमे पानि भरि गेल और अहिना इनार सभमे पानि भरि गेल। आब तऽ इनारक नहि चापेकलके लोक पानि पीबै छथि, बिजलीके अभाव भऽ जाइ छै, तऽ ई बड़का भारी चुनौती छलै। लेकिन एकर चुनौती हमर विभाग बड़ा मजबूतीसँ पूरा केलक है। हर कैम्पमे अनवरत रूपसँ हमर विभाग लागल रहल है, जाहिमे एकटा जलदूत एकटा हमरा लग मशीन अछि जे हम पूरा एकटा टैंकर जकाँ छै, ओ जाकऽ ओ जे गन्दा जल छै ओकरा साफ कऽ कऽ तुरंत दै छै। एकटा हमसब ऑस्ट्रेलियासँ मंगेलहुँ हैं जरीकैन, ओ जरीकैन छोट छोट पोर्टेबल एकटा यंत्र छै जे यंत्रमे दऽ कऽ तुरंत जे उलटि दियौ ओकरा साफ जल निकलै छै, तऽ ओ बाढ़िवला पानि लऽ कऽ ओकरा उलटि दियौ तऽ साफ जल निकलै छै। एकर अतिरिक्त हम करीब 1000 चापाकल अइ बीचमे गाड़लहुँ जतय लोक जमा छलैए, ओतय जतय भीड़पर या बान्हपर या कतहु जमा भऽ गेलै ओतय, आओर ब्लीचिंग पाउडर आओर सब स्वच्छताके काज करू। ई तऽ हमर विभागके काज अइ जे हमर काज पहिल बेर देखेलैए, कई लोक कहला, अखबारोमे छपलैए और लोको सबके फोन आयल जे PhD देखा रहल अइ बाढ़िके कैम्प सबपर। हम तऽ अपने प्रभारी छी मोतिहारीके, तऽ ओतौ रही तऽ देखबे के लिए आनो ठाँसँ फोन आयल। जहाँ तक बाढ़िके सवाल अइ तऽ बहुत पुरान सवाल छै और बाढ़ि दिन दिन भयावह भेल जाइ छै, आओर ओ एकटा बड़का शोधके विषय छै जे जतेक सरकारक खर्च होइ छै
एकर बाद बाढ़ि किया अते तरहसँ भयावह भेल जाइ छै, जते ओकर निदान खोजल जाइ छै तते रोग बढ़ल जाइ छै। लेकिन बड़का बहसके विषय अइ, विभिन्न विभागके मिलकर एकरा करऽ पड़तै, खास कऽ सिंचाइ विभाग के एकर जिम्मेवारी लेबऽ पड़तै, बाढ़ नियन्त्रण ओकरे लगने छै। तऽ ओ एकटा विस्तृत विषय छै, एहिपर जरूर सोचल जाइके चाही। हमसब सरकारमे छी, हमसब एहिपर माननीय मुख्यमन्त्रीजीके ध्यान आकृष्ट करेबनि। अच्छा, एकटा चीज जेना हमरा पता लागल जे कि चापाकल जे सरकारके तरफसँ देल जा रहल छलै, कि ओकर कॉन्सेप्ट बन्द कऽ देलकै सरकार या फेर चापाकल देल जा रहल छै एखन? नहि, चापाकल आब नया चापाकल विशेष परिस्थितिमे हम देबै, चापाकल बन्द छै। चापाकल जे पहिनेसँ छै ओकरा हम भले ही ठीक कऽ कऽ चलायब, ओकरा ओहि लेल रिपेयरिंगके काज हम कऽ रहल छी। आब हम अगिला 3 वर्षमे हम हर घर नलसँ जल पहुँचेबै, ई संकल्प छै सरकारके। तऽ नलसँ जहन जल पहुँचेबै तऽ चापाकलके उपयोगिता नहि रहि जेतै। आ चापाकलमे एकटा बड़का बाधा छलैए, ई जे बीमारी छै आर्सेनिक फ्लोराइड आओर आयरन, ई सीधे लोकके शरीरमे चलि जाइ छलैए, जाहिसँ लोक बीमार होइ छलै हँ। तैँ ओहिमे शुद्ध जल पहुँचाबैके संकल्प छै, तैँ तत्कालिक प्रभावसँ चापाकलके रोकल गेल छै। लेकिन विशेष परिस्थिति जेना एकाएक बाढ़ि आबि गेलै, तुरंत तऽ नल नहि लगतै, तुरंत तऽ बोरिंग के व्यवस्था नहि, तऽ हम टैंकरोसँ जल भेजलियै, चापोकलसँ जल भेजलियै आ बाकियो उपाय केलियै। लेकिन ई सच छै जे आब आबैवला दिनमे बिहार सरकार चापाकल नहि गाड़तै, ओ नलसँ जल पहुँचेतै। लगातार मिथिला मैथिलीके चाहे ओ सांस्कृतिक चीज होइए, एहिसँ पहिले ओ जे हमरासभ इंटरव्यूमे बैसल रही, ताहिमे एकटा मुद्दा हम अहाँसँ उठेने रही जे बिहार राजगीतमे जे छै से कतौ मिथिलाके नाम नहि छै, अहाँके सांस्कृतिक जे विरासत अइ तकरा जे छै से निश्चित रूपसँ जे छै से ओ जगह नहि देल जा रहल छै। तऽ आब अहाँ मन्त्रीके रूपमे एहिठाम बैसलहुँ हँ, एहिके विषयपर जे छै से की अहाँके मन्तव्य अइ? एहिमे किछु सच्चाइ छै, लेकिन सब सच्चाइ नहि अइ। ई सच छै जे मिथिलाके काउजके जे आम लोकके जुड़ैके चाही से मिथिला जुड़ल नहि छै, तकर भय जे राजसत्ताके हेतै मैथिली काउजपर, ओतऽ हम चुनाव हारि जायब, मैथिली काउजपर लोक बिगड़ि जायत। जेना तेलंगाना छलै, जनता खड़ा भऽ गेलै, झारखण्ड रहै, जनता खड़ा भऽ गेलै, तऽ डरे ओकरा सबकिछुमे शामिल करऽ पड़लै। तहिना मैथिली काउजसँ मिथिलाके आम जनता नहि जुड़ल छै, ओकरा जोड़नाइ जरूरत छै। आओर ताहि दुआरे सरकारक कम ध्यान जाइ छै। सबसँ दुर्भाग्य छै जे हमरा मैथिली अष्टम अनुसूचीमे शामिल छै, भारतके आन अष्टम अनुसूचीके ओहि राज्यमे जे मान्यता प्राप्त छै ओ मान्यता मैथिलीके नहि छै, ई दुर्भाग्यपूर्ण छै। लेकिन एकर दोष छै मिथिलामे रहैवला लोकके एहन भाव पैदा करऽ पड़तै समग्र समाजके, एक जाति दू जातिके नहि, तखने सरकार डरेतै। से जरूरी होइ छै। लेकिन जहाँ तक सवाल छै जे राज्य गीत बनै छै, तऽ से हम नहि मानै छी। विद्यापतिके चर्चा छनि, नागार्जुनके चर्चा छनि, हँ ई कहि सकै छी कि जाहि रूपमे होइके चाही ओहिसँ कम छै, लेकिन बिहारो गीतमे एहि सबके चर्चा छनि। हमर कवि बिहार गीतमे प्रायः नहि छै एहि चीजके, नहि जी विद्यापति आओर नागार्जुन ओहिमे छथि, आ ओकर चर्चामे ओ छथि। हमर से मधुबनी पेंटिंगो छै, लेकिन जाहि रूपमे आओर विस्तृत होइके चाही तकर अभाव छै। भऽ सकै छै नवका जे आयल हेतै, प्रायः हमरा लग जे बिहार डायरी जे हमरा भेटल छलै ताहिमे शायद हमरा नहि देखायल छलै जे पाछाँमे जे गीत छै, ओहिके बाद हमरा सब जे छै से कनेक जेना मिथिला पेंटिंगके एकटा म्यूजियमके बात उठल रहै, तऽ ओ काज प्रायः लसकि गेलै, या फिर चाहे ओ बलिराजगढ़ होइ या राजनगरके जे सौन्दर्यता या दरभंगाके जे सौन्दर्यताके बात छै, ताहिपर हम सेहो किछु अहाँसब जानऽ चाहब। एना तऽ हमसब बिहार भरिके मन्त्री छी, कोनो रिजनलिज्म केनाइ उचित नहि हेतै, लेकिन जे राज्य पिछड़ि गेल छै, जे मिथिलाके गौरव छुटि गेल छै, ओकरो उठेनाइ हमरे सभक काज छी। बिहारमे मधुबनी पेंटिंग एकमात्र चीज छियै जे हम बिहारके नामपर दुनियामे कतौ दऽ सकै छियै, ककरो देखा सकै छियै। तैं दुआरे ई हमर सभके दायित्व, ओ मिट नहि जाय। सिर्फ म्यूजियम आवश्यक नहि छै, म्यूजियम लए हमसब प्रयास केलहुँ, लेकिन ओ बड़का प्रयास नहि छै, कएटा म्यूजियम छै। सबसँ बड़का प्रयास छै जे ओतय एगो रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलै। दुनियामे जतेक पुरान संस्कृति आओर आर्ट कला छै, ओ कला धीरे धीरे मिट रहल छै ग्लोबलाइजेशनके युगमे, नया नया चीज आबि गेलैए, नौजवानके फुर्सत नहि छै ओहिसब चीज देखैके, तैँ लेकिन ओ खत्म नहि भऽ जाय। ताहि लए कऽ रिसर्चके जरूरत छै कि ओकर रिसर्च होइत रहै आओर प्रशिक्षण केन्द्र चलैत रहै शासनके तरफसँ, ई आवश्यक छै। तऽ हमसब चिन्तित छी, एकबेर सरकार निर्णयो लेने रहै लेकिन ओ कतहु ने कतहु रुकि गेल छै। एगो जमीन चाही एकटा नेशनल लेवलपर, इंटरनेशनल लेवलपर मिथिला पेंटिंगके रिसर्च इंस्टीट्यूटके आवश्यकता मिथिलामे महसूस कयल जाइ छै, तकरा हमसब आबैवला दिनमे आगाँ बढ़बऽ चाहै छी।
एकटा सवाल जे छै से आब चूँकि मैथिली पढ़ौनीके जहाँ तक बात छै अखने अहाँ जे छै से ई चीज अपने स्वीकार केलियै यऽ जे आन राज्यमे जे छै ओकर संवैधानिक जे भाषा जे अष्टम अनुसूचीके भाषा छै ओहन दर्जा जे छै से मैथिलीके एहिठाम नहि छै तऽ एहनमे जँ उर्दूके उर्दू शिक्षकके बहाली होइ छै बांग्ला शिक्षकके बहाली होइ छै तऽ आखिर जे मैथिल छथि जे मिथिला क्षेत्र छै ओहिमे ओहि पाठ्यक्रममे जे छै से मैथिलीके किया नहि शामिल कयल जा रहल छै प्राथमिक स्तरपर? हाई इसकुल आओर कॉलेजमे तऽ छै आ एहिमे लोकके मौका देल गेल छै कि हाई इसकुलमे जतय 40 मैथिलीके बच्चा भेटतै ओतय टीचर देल जेतै, एहिना कॉलेजोमे छै, ओकर रिपोर्ट आबक छै। बहुत ठाम एखनो मैथिलीमे कॉलेजमे यूनिवर्सिटी टीचरके बहाली भेलनि हँ लेकिन ओहि रूपमे हाई इसकुल आओर प्राइमरीमे नहि होइ छै, किएक तऽ ओतयसँ जे रिपोर्ट अबै छै जे मैथिली छात्रक सर्वथा अभाव छै, मैथिली पढ़नहारक अभाव छै। एहनो एहनो यूनिवर्सिटी सभसँ खबर आबय लगलैए जे जतय कॉलेजसभ जे छै ओतय मैथिलीके विद्यार्थीके संख्या लगातार घटि रहल छै, ओकरो बढ़ेबाक छै, लेकिन एकरा कम्पल्सरी मिथिलोमे नहि कयल जा सकै छै। लेकिन ई जरूर छै एकर प्रयास हो जे मैथिलीमे पढ़य चाहैए, प्राइमरीमे पढ़ाए, ओ हाई इसकुलमे पढ़ाए, ओ कॉलेजमे पढ़ाए, जँ मैथिली भाषा लऽ कऽ केओ पढ़य चाहैए ओतुका बच्चा, ओकरा सरकारके तरफसँ ई सुविधा देल जेतै। आ ओकरा लेल शिक्षकोके आवश्यकता छै कि जँ केओ पढ़य चाहतै तऽ शिक्षक ने ओकरा पढ़ेतै कि तैँ हर इसकुलमे एकटा शिक्षकके आवश्यकता छै। लेकिन एहि लेल कोनो दबाव नहि बनायल जेतै कोनो समाजके, कोनो इलाकाके, कोनो जातिके जे अहाँ मैथिली पढ़बेटा करू, अहाँके जे इच्छा अइ मैथिली।